भाइयों, मैं ये कह रहा था कि मैं ना अब चिकन बनाने जा रहा हूँ, ब्लैक पेपर विद लेमन एंड कर्ड। तो मैं वो बनाने जा रहा हूँ, और मैंने अभी चिकन लेने गया नहीं, तो मैंने स्विगी इंस्टामार्ट से मैंने ऑनलाइन मंगाया। स्विगी इंस्टामार्ट से हार्डली 20-25 मिनट के अंदर आ गया, क्योंकि तो मेरा जाने का मन नहीं था। तो मैंने स्विगी वाले से बात करने लग गया, तो मेरे 15 मिनट वहीं वेस्ट हो गए। मैं उससे बात कर रहा था कि भाई कब तक खुला रहता है तुम्हारा स्टोर एंड ऑल, तो कह रहा सर 3 बजे तक खुला था। मैंने हाँ, मतलब तो रात तक मैं चिप्स मंगा सकता हूँ, आप आ जाओगे देने? तो कह रहा हाँ सर, हमारी ड्यूटी, हम देने आएंगे। तो यार उनको बहुत मेहनत करते हैं, तो बेचारों को थोड़ा सा आप ऑर्डर कर लिया करो सभी, स्विगी नहीं कहीं से भी, जहाँ से आपका मन करे, क्योंकि रात को यही बेचारे डिलीवरी करते हैं, और लॉकडाउन में भी कर रहे हैं, कर्फ्यू है चाहे कुछ भी है, पर ये कर रहे हैं। तो आप भी ऑर्डर करो, मैं देखते हैं। बाकी मैं चिकन बनाता हूँ, आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे बनाना है, क्या है, इजी है और बहुत यम बनता है। स्टार्ट करते हैं, जब मैं बनाऊंगा आपको मैं शो करूंगा, देखना। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मैं क्या क्या चीज़ें डालूंगा और क्या क्या चीज़ें यूज़ करूंगा। तो मैं आप तो इसमें फर्स्ट के लिए हम ले लेंगे 1/2 kg मैंने चिकन लिया है, और मैंने ग्रीन ऑनियंस लिए हैं थोड़े से छोटे से, और तो 2 प्याज लिए हैं। अगर वैसे अगर आपको ऑनियन नहीं डालना तो आप नहीं भी डालें, कोई मैटर नहीं करता, ये मैं अपने टेस्ट के मुताबिक ले रहा हूँ। और मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 2 लिए हैं, एक मैंने मैरिनेशन के लिए रख दिया है स्टार्टिंग में, और एक मैंने साथ में जब इसकी हल्की हल्की सेमी ग्रेवी बनाएंगे उसके लिए यूज़ करूँगा। इसे मैंने 4 नींबू लिए हैं, 4 से 5। मैंने इसमें ब्लैक पेपर लिया है पाउडर, और 5 चिले लिए हैं ग्रीन चिली, और दही ली है 400 ग्राम। सो अब इसको बनाएंगे, मैं आपको पहले मैरिनेट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट इसलिए डाला स्टार्टिंग में कि जिससे जो चिकन की स्मेल होगी, और इसमें एक लेमन डलेगा जिससे जो उसकी स्मेल होगी वो प्रॉपर फिनिश हो जाएगी। तो मैं अभी आपको इसको डाल के दिखाता हूँ। तो भाई हम इसमें नींबू डाल देंगे। अब ये देखिए, इसे मैंने एक पूरा नींबू लिया है, इसका जितना भी रस है हम पूरा डाल देंगे। वैसे हम लेमन चिकन बना रहे हैं तो लेमन जितना हो बेस्ट है। ये डाल दिया है मैंने पूरा नींबू। से टेस्ट आएगा भाइयों। इसमें मैंने अच्छे से नीम लेमन को स्क्वीज कर लिया है, और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक आधा चम्मच, क्योंकि तो बाद में भी यूज़ करेंगे नमक को, तो मैं इतना नमक ले रहा हूँ अपने हिसाब से। तो मैंने ये गाइस नमक डाल दिया, अब इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जो चिकन की स्मेल है जिंजर गार्लिक के पेस्ट में प्रॉपर, और नमक वमक से इसकी स्मेल चाहिए। इसको हमने ज़्यादा नहीं, 15 to 10 मिनट्स हमने इसको रखना है बस, जिससे अच्छे से मिक्सअप हो जाए। ठीक है गाइस, सो ये हमने कर लिया है। तो मैंने जो इसमें 2 प्याज ली थी तो हम उसको ग्राइंड कर लेंगे। इसके साथ हम इसमें 2 हरी मिर्च के अंदर हम 2 हरी मिर्च डालेंगे। जो हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया था वो भी हम इसी के अंदर मिक्स कर देंगे कि जिससे वो प्रॉपर मिक्स हो जाए। देखो तो गाइस, मैंने आपको बताया था जो मैंने इसके लिए सामग्रियां ली थी, इसकी सामग्री यहाँ, तो मैंने 2 ऑनियन लिए थे, तो मैंने 2 ऑनियन इसमें डाल दिए हैं, और 2 ग्रीन चिली डाल दिए हैं, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। तो गाइस मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, अब देन इसको हम गैस पे कुक करेंगे और अच्छे से पकाएंगे। देन उसके बाद धीरे धीरे करके इसके अंदर चीज़ें ऐड करते चले जाएंगे, जो जो हमारे को इस लेमन ब्लैक पेपर चिकन के लिए चाहिए वो हम धीरे धीरे चीज़ें ऐड करते चले जाएंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता जाऊँगा कि मैं क्या क्या ऐड कर रहा हूँ, क्या क्या ऐड चीज़ नहीं कर रहा हूँ। इसका फर्स्ट मैरिनेशन कर लिया है। मैं आज इसको तंदूर टाइप में नहीं बना रहा हूँ, मैं आज इसको नॉर्मल बनाते हैं कढ़ी में, तो मैं इसको वैसे ही टाइप में बनाऊंगा। मैं इसको कोई फ्राई व्राई नहीं कर रहा, ना कुछ कर रहा, ना इसको मैं मैरिनेट करके रख रहा, या मैं तंदूर पे चढ़ा रहा, ना गैस में, ना कहीं भी। आज इसको मैं सिर्फ नॉर्मली कढ़ी की तरह पकाऊंगा, और ना मैं इसको बटर में बना रहा, मैं आज इसको रिफाइंड पे बना रहा हूँ, रिफाइंड नहीं ऑलिव ऑयल में बना रहा हूँ, सॉरी। तो आज मैं इसको ऑलिव ऑयल में बना रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से बटर बटर खा रहा था, तो मैं आज सोच रहा हूँ इसको ऑलिव ऑयल में बनाया, थोड़ा टेस्ट भी चेंज करना चाहिए। तो कैसा बनता है देखते हैं।
और मैंने अभी इसमें जो चीजें ली है मैं उसे स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें हमें चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं चाहिए और कैसे कैसे डालना है। तो देखते हैं जब बन जाएगा, अभी आपको बाद में धीरे धीरे चीजें दिखाता रहता हूँ। तो दोस्तों और भाइयों, मैंने अब इसमें जो मैंने पेस्ट बनाया था, ऑनियन, ग्रीन चिल्ली और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो था उसका, तीनों का, अब इसको मैंने ऑलिव ऑयल में मिक्स करके कुकिंग के लिए, मतलब 3 से 4 5 मिनट जो है बेक होना, थोड़ा टाइम लगेगा, वो हो जाएगा। इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे दही, मैं आपको दिखाऊंगा। जो या आप इसमें पीसीस भी मिक्स कर सकते हैं स्टार्टिंग, पर मैं पहले दही मिक्स करूंगा। तो आप जुड़े रहें, मैं आपको दिखाता रहता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो भाइयों, मैंने ना इसके अंदर अभी ब्लैक पेपर मिक्स कर दिया है और इसको थोड़ी देर इसी में पकाना है। और हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर मिक्स किया है। देन जब ये बनेगा, जब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे, देन इसके बाद पेपर हमारे को दोबारा डालना है। ठीक है गाइस, कुछ कुकिंग वुकिंग के टिप्स दिया करो यार मुझे, मुझे कुछ बताओ कैसे बनता है कुछ नई नई चीजें, तो मैं वो भी सीखूं। ये तो मैं मतलब बॉर्न गिफ्ट होता है ना कि मतलब पापा वापा अच्छा बनाते थे, चिकन बनाते हैं आज भी बनाते हैं, मम्मी से अच्छा बनाते हैं, बट वहीं से बस हुनर है और थोड़ा सा होटलों के आगे खड़ा होके तो देखता रहा, तो क्या क्या डालते, तो सीख गया वहां से। तो मैं आपका शेयर करता हूँ चीजें, तो आप भी कुछ शेयर करा करो कि जिससे मुझे भी कुछ सीखने को मिले। दोस्तों मैं इसके अंदर ना, पहले मैंने आज सोचा कि ना कुछ यूनिक करके बनाता हूँ, मैं हर बार दही डबेले मिक्स करके बनाता था, तो मैंने आज सोचा कि इसे कुछ यूनिक करके बनाते हैं। तो आज मैंने ना थोड़ा यूनिक करके बनाया, अदरक ऑनियन और ग्रीन चिल्ली का जो पेस्ट था उसके अंदर इसको हल्का हल्का मैंने स्टार्टिंग में ही चिकन डाल दिया और 15 to 20 मिनट इसको मीडियम आँच में पकाएंगे ढक्कन ढक के, जिससे जो चिकन का पानी वानी भी छोड़ना होगा और उससे नॉर्मली पक जाएगा, बाकी फिर वो दही से पक जाएगा, दही जब पानी छोड़ेगी अपना देन ऑल, तब उससे पक जाएगा। तो मैं अभी जब अभी स्टेप 15 to 20 मिनट्स बाद इसको ओपन करके देखेंगे कि, तो 20 मिनट से इसको हल्की आँच में पकाना है मीडियम आँच में, और हर 5 मिनट्स या 7 मिनट्स बाद आप इसको एक बारी कच्ची घुमा देना, जिससे चिपके ना मसाला वसाला जो हमने डाला है वो चिपके ना। देखो अभी अच्छे से पानी जो होगा चिकन का वो छोड़ रहा होगा पानी अभी, इसको अभी थोड़ी देर बाद हम इसको एक बार करछी घुमाएंगे। तो भाइयों, हमारी भाभी कह रही है कि काला काला क्यों बना दिया, तुमको लेमन चिकन बनाते, तो मैंने इसके अंदर मैंने काली मिर्च मिक्स कर दी। तो ये अभी गाइस हल्का हल्का पक गया है, इसको अब हम दही ऐड कर दो, आप इसको आप 200 ग्राम दही डाल दीजिए। तो हम गाइस अब इसमें दही ऐड करने जा रहे हैं, दही आप गाढ़ी ही यूज करना, और ये अच्छे से हमने दही को, तो गाइस जैसे हम इसके अंदर अगर दही डालते हैं तो फटाफट इसको मिक्स कर लेना, क्योंकि ऑयल होता है जिससे इसमें ना थोड़े से भी फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि मतलब वो उछलता है। तो इसको आप फटाफट ऐसे ऐसे मिक्स कर लीजिए, और इसका हमें दही का पानी वानी सुखाना है पूरा। और मैंने 200 ग्राम दही लिया है, 400 ग्राम का मैंने मंगाया था आपको, मैंने जो दिखाया था, मैंने 200 ही ग्राम दही लिया है क्योंकि हमारा 1/2 kg ही चिकन है। अगर आपका 1 kg होता तो आप 400 ग्राम इसके अंदर प्रॉपर दही यूज़ करते। अब अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद इसको हम चढ़ा देंगे, और जो हाफ टी स्पून लिया था पहले, और अब हाफ टी स्पून अब ले लेना है दही जब हमने डाली थी, और एक पूरा लेमन लेना है और उसको अच्छे से स्क्वीज कर लेना है। ये आप पूरा अच्छे से स्क्वीज कर लो, जिससे लेमन का प्रॉपर टेस्ट है, लेमन और ब्लैक पेपर का। अगर आप थोड़ा खट्टा ज़्यादा खाना चाहें तो आप लेमन और यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट मुताबिक, मैं तो एक ही यूज़ करता हूँ। ये हमने, अरे लगता है नींबू थोड़ा कच्चा है, तो ये अच्छे से हमने स्क्वीज करके लेमन को डाल दिया है, और इसको आप पकने देंगे। इसको 10 से 15 मिनट्स हम हल्की आंच पे मीडियम आंच पे पकाएंगे, जिससे दही अच्छे से पक जाए, और देन
उसके बाद देन उसके बाद हम इसको ओपन पकाएंगे, जिसकी जो पानी वानी होगा, जो पानी सुखाना है हम पूरा पानी सुखा देंगे, जिससे ग्रेवी लस्सा लस्सा जो ग्रेवी मतलब लाइक गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी बने और टेस्ट भी आए नेमन और पेपर का अच्छे से। तो अभी इसको दही को अच्छे से पकने देते हैं देन इसके अंदर, देन और चिकन भी पक जाएगा जब तक। तो हम इसको 15 मिनट्स मीडियम पे पकाएंगे, देन इसको ओपन 15 मिनट्स हल्की आंच में पकाएंगे जो ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। ये रेस्टोरेंट में क्या करते हैं वो, तो हम तंदूरी चिकन बनाते हैं, तो तंदूरी चिकन में हम 2 बार तंदूर ग्रिल करते हैं। फर्स्ट टाइम जो उसका पानी वानी निकलता है, जो जूसी होता है जिसे, वो निकालते हैं कि सब पानी उसके अंदर रही रहे, तो निकाल के थोड़ी देर बाहर रख देते हैं। देन उसके बाद वो दोबारा ग्रिल करते हैं। तो अगर आप इसको लेमन चिकन को तंदूरी चिकन के टाइप में जैसे बनाने, हम जैसे हमने हल्का मतलब मैरिनेट करके रख दिया लेमन और उसके साथ, और साथ में दही डाल के जो मैं आपको बता रहा था मैं वैसे ही करता था बारबेक्यू के अंदर, और देन उसमें हल्का हल्का उसको पकाया, 1 टाइम उसमें पकाया, देन उसका ग्रेवी में पकाया, वो भी बहुत यम बनता है। आपको मैं क्या बताऊँ, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है, आप टेस्ट करोगे मजा आ जाएगा आपको। तो गाइस अभी मैंने इसको एक बारी करछी घुमा दिया, तो गाइस मैं दोबारा इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको पकाऊंगा। तो गाइस हमने कसूरी मेथी एक तवे में भून ली है, और देन अभी इसके अंदर डालेंगे हम चिकन के अंदर अपने, चिकन ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और हमने पूरी ग्रेवी सुखा ली है और गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी बनी है जो मैंने आपको बताया था, लस्सा लस्सा ग्रेवी। तो मैंने आज अपने शहर में चिकन बनाया है, मैं इसको दूसरे तरीके बनाया, मैंने नया ट्राई किया है, अच्छा अब देखते हैं बाकी, और अच्छा बना, अच्छा जिस हिसाब से टेस्ट और कलर आया। अब इसके ऊपर कसूरी में धन, उसके बाद प्रॉपर जो उसका टेस्ट आएगा तब मज़ा आएगा। तो हम इसको डालते हैं, मिक्स करते हैं। अच्छे से क्रश करके बार और मिला लेंगे। कसूरी मेथी डालने से थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है और यम भी लगता है। फाइनली तुम्हारे भाई ने बना दिया लेमन चिकन और काफ़ी यम बना है। मैंने आज ये दूसरे तरह से स्टाइल से आज मैंने इसको बनाने की कोशिश की थी और बहुत यम बना। तो आप भी ट्राई करना घर में, जो जो मैंने चीज़ें आपको बताई थी वैसे एक बार ट्राई करना आप भी। अगर आप भी एक बार ट्राई करने के बाद आपका भी अच्छा बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और एक चीज़ और कि थोड़ी आप मुझे कमेंट बॉक्स में चीज़ें बता दिया करो कि न्यू न्यू चीज़ें, न्यू न्यू थिंग्स है जिससे मैं वो बना सकूं, और थोड़ा मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग हो जाएगा कि न्यू डिश बनानी है और कैसे बनानी है। तो आप भी थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता दिया करो जिससे मैं उस चीज़ को बनाने की कोशिश करूं। तो आज का दिन ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।